सेक्स उपचार में स्त्री पुरुष का संवाद ये बहुत महत्व का होता है, और स्त्री पुरुष का संवाद यदि अच्छा और क्लियर रहा तो सेक्स का उपचार बहुत आसानी से कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ संवाद ही नहीं होता, स्त्री पुरुष एक दूसरे से बात नहीं करते, सेक्स के बारे में संभाषण नहीं करते। संभाषण करना मतलब बातचीत करना, और कुछ बातचीत मुख संभाषण रहता है। मुख संभाषण मतलब बिना बोले भी संभाषण होता है, तो बिना बोले भी सेक्सुअल इंटरेस्ट बताना, बिना बोले सेक्सुअल लाइकिंग बताना ये भी हो सकता है और बोल के भी हो सकता है, मगर हम बोलते नहीं है, ना स्त्री बोलती है ना पुरुष बोलता है। स्त्री एक उपभोग्य वस्तु है, उसका इस्तेमाल करो, सेक्स करो और सो जाओ, और इरेक्शन नहीं आता है, लिंग में कठोरता आती नहीं है, तो उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाई लो, तेल लो, जो रास्ते पे बैठे झोपड़ी डाल के उनसे कोई दवाई ले लो, नहीं तो फिर ओवर द काउंटर जो मेडिकल में दवा मिलती है वो ले लो और अपना इलाज करने की कोशिश करो, इस तरह का चलता है, मगर एक्चुअली साइंटिफिक इलाज नहीं होता है। अब ये संवाद क्यों नहीं होता? संवाद यदि हुआ तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, बोलना है। फिर संवाद होता क्यों नहीं है? तो समाज होता नहीं है इसलिए कि भाई लोग हिचकिचाते हैं सेक्स के बारे में बात करना, अच्छा नहीं लगता। स्त्री पुरुष पति पत्नी रहो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रहो तो उसके बारे में बातचीत नहीं करते, एक्शन करते, कृति करते, और फिर काफ़ी सारी गलत फहमियाँ रहती है और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो हिचकिचाना बिल्कुल ही नहीं, सीधी बात करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगो नहीं लगो मगर सीधी बात करना ज़रूरी है। क्या होता है कि बचपन से हमारे में जो संस्कार हमारे ऊपर होते रहते हैं तो वो भी संस्कार से हम बातचीत नहीं करते हैं। जैसा बच्चा दो ढाई साल का बच्चा अपने लिंग को हाथ लगाता है, उसे खेलता है, तो अपन उसको बोलते हैं अरे गंदा कहीं का, ऐसा मत कर। या बच्चे माँ बाप को आसपास में कभी बैठा हुआ देखते ही नहीं, प्यार करता हुआ देखते नहीं, झगड़ते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि अपोजिट पार्टनर हरदम झगड़ती है। या बचपन में उन्होंने प्राइमल सीन देखा हुआ है, प्राइमल सीन मतलब माँ बाप का सेक्स देखा हुआ है और कुछ तो भी भयानक हो रहा है रात के अंधेरे में, ऐसा उनको लगता है, और फिर उससे नफरत हो जाती है। और या फिर उनके ऊपर ऐसे कुछ सेक्सुअल एब्यूज हो गया, सेक्सुअल एब्यूज मतलब उसके ऊपर कोई छेड़खानी हुई बच्चे की, बचपन में गलत फ़ायदा उठा लिया। होमोसेक्सुअल जो रहते हैं वो बच्चों को लेते हैं, अपना हस्तमैथुन कर लेते हैं, या बड़े लोग लड़की देख के फिर उसको कुछ ना कुछ उसके ऊपर पास में लेते हैं, उसको किस करते हैं, मतलब बताते हैं कि प्यार कर रहे हैं, एक्चुअली वो सेक्सुअल अट्रैक्शन या सेक्सुअली किस रहता है, मगर बताते ऐसा है कि वो प्यार है, तो ऐसा, और लड़की को अच्छा लगता नहीं है वो जो टच है। मेरे पास में काफ़ी लेडीज़ आती है, वो ऐसा बोलती है कि हमको हमारे पिताजी का टच भी कभी कभी ठीक नहीं लगा, मतलब ऐसा भी होता है पिताजी पास में आते हैं मगर वो कैसा लेती है लड़की, और बहुत डिस्टर्ब लड़कियां मैंने देखी हुई है। पिताजी का टच पिताजी ने पास में लिया तो वो उनको अच्छा लगा नहीं, उनको उसमें कुछ तो भी अलग मीनिंग दिखा और तब से उनको एक नफरत हो गई पिताजी के बारे में। और फिर उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो है कि फिर हस्बैंड के साथ में पटना नहीं, हस्बैंड के साथ में सेक्स में इंटरेस्ट नहीं, ऐसा होते गए। तो ऐसे बचपन में काफ़ी सारे संस्कार होते रहते हैं। फिर हमारी समाज की विचारधारा जो है, समाज में हमारे बातचीत करना ठीक नहीं लगता है, समाज में बोलते नहीं हैं, समाज में कोई चर्चा होती नहीं है, एक सोसाइटी की विचारधारा रहती है। मतलब हमारे यहाँ प्यार दो तरह का होता है, एक प्यार है कि अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन और वो प्यार करते हैं वो, और दूसरा बच्चे का और माँ का प्यार। अब जो अपोजिट सेक्स का प्यार है, मतलब जो अपोजिट सेक्स मिलते हैं तो कहीं भी अपोजिट सेक्स आसपास में दिखे तो हमारे में चालू हो जाती गॉसिपिंग करना, और फिर वो अच्छा नहीं माना जाता, तो वो भी एक विचारधारा समाज की रहती है, उसके लिए भी हम बातचीत नहीं करते ठीक तरह से। फिर एक ऐसा है कि स्पॉन्टेनियस सेक्स कम होते जाता है उम्र के हिसाब से, और ऐसा लगता है कि सेक्स कमज़ोर हुआ है और वो बातचीत में नहीं आता है। उम्र के हिसाब से कम होता ही है, नो डाउट, तो उम्र के हिसाब से स्पॉन्टेनिटी कम होना और वो मान्य नहीं करना वो भी एक हो जाता है, और वो बातचीत नहीं होती, बातचीत में आना चाहिए। अब उपचार के हमने महत्व के अंग देखे कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है, बातचीत क्यों नहीं होती, संवाद क्यों नहीं होता। संवाद हुआ तो काफ़ी अच्छा उपचार हो जाएगा। फिर दूसरा, ये आदमी ने देखना चाहिए, पुरुष ने या स्त्री ने, जो हमारे पास में आते हैं हम उसको बोलते हैं कि भाई उसकी जिम्मेवारी लो, जो भी आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हो रही है उसकी जिम्मेवारी लो,
यूजली क्या होती है कि लड़की ब्लेम करती है हस्बैंड को, मतलब अपने पति को या अपने बॉयफ्रेंड को, कि इसको जमता नहीं है, और वो भी अपने आप को दोषी पाता है कि मैं दोषी हूँ, मुझे इरेक्शन नहीं आता या जल्दी हो जाता है। तो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है, ब्लेम करना नहीं और जिम्मेवारी लेना है। हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेवारी लेना है और 100% मैं जिम्मेवार हूँ ये रिलेशनशिप में, ऐसा बोलना और मानना और करना जरूरी है। एक बार बातचीत हो गई तो हो गया ऐसा नहीं है, इसके बारे में बार बार बातचीत करना जरूरी है, बार बार क्लियर कम्युनिकेशन, क्योंकि रुचि बदलती रहती है, इंटरेस्ट बदलते रहता है। पहले हो सकता था कि ओरल सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, अब ओरल सेक्स में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ऐसा हो सकता है। पहले कोई आसन में इंटरेस्ट नहीं था, अभी अलग अलग आसन में इंटरेस्ट आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई अभी इंटरेस्ट बदल गए। पहले ऐसा था कि नहीं सुबह सुबह टाइम नहीं है और सुबह सेक्स की इच्छा होती नहीं है, अभी हो सकता है कि रात को थक जाती इसलिए रात को सेक्स कर दी, अभी सवेरे सेक्स करने की इच्छा हो रही है तो सुबह सेक्स कर सकते हैं। तो ऐसी रुचि बदल जाती है, इंटरेस्ट बदलते जाता है, तो वो भी उसका भी नोट डाउन करना और वो हिसाब से सेक्स करना जरूरी है। ये बातें यदि पति पत्नी ने आपस में देखी तो उपचार करने में, उपचार लेने में बहुत आसानी हो जाएगी और 100% रिकवरी पॉसिबल है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी मैरिड लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।